हेलो गाइस, टू ऑल ऑफ यू ऑल एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं ये जो परसेंटेज का आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन हो रहा है गाइस इस चैनल पर सूर्या स्टडी सेंटर पर, तो गाइस ये परसेंटेज का मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये जो पार्ट है गाइस, ये पार्ट 4th है। तो गाइज 4th पार्ट आज इस सेशन में लेकर आया हूँ परसेंटेज का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज, इसको आप अच्छे से देखें और नोट्स बनाए गाइज। मतलब कि आरआरबी एनटीपीसी के पर्पज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज पढ़ा रहा हूँ गाइज। तो परसेंटेज का जो भी क्वेश्चन से आएगा ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज आएगा। तो गाइज यहाँ से आप ऑल कॉम्पिटेटिव के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस जी फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो गाइस आपको स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन से दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि 3 liters ऑफ वाटर इज मोर वेन 80% फिल्ड देन 60% फिल्ड एंड बुकेट, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बुकेट। तो गाइस कोई बाल्टी है, उसमें 60% क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसके तुलना में गाइस 80% पानी भरने पर 3 liters अधिक पानी आ जाता है। तो गाइस यहाँ आप देख रहे हैं कि 60 liters पानी है, जब 60 liters पानी भरा जा रहा है उसके तुलना में 80 liters पानी क्या हो रहा है, पानी भरने पर कितने लीटर पानी आ रहा है, उसमें तो 3 liters अधिक पानी आ जाता है। तो यहाँ 60 से 80 हो रहा है, कितने परसेंटेज का यहाँ मार्जिन हो रहा है गाइज, यहाँ 20% का मार्जिन हो रहा है। जो 20% का मार्जिन होगा वो किसके बराबर होगा, 3 liters के बराबर होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 20% इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 liters। तो कभी भी हम निकालेंगे पूरी धारिता, बाल्टी का धारिता निकालेंगे तो वो धारिता कितना होगा, कभी भी 100% आपस में कितना होगा, ओवरऑल 100% होगा। तो हमें 100% के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे गाइज, यहाँ 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो यहाँ 20 में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब 20 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो ये कितना हो जाएगा गाइज, 15 liters हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, आपका 15 liters आंसर हो जाएगा गाइज। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, कितना हो गया गाइज आपका क्वेश्चंस का आंसर, ये जो 15 liters आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं गाइज। तो गाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चंस स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस गाइज कर रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन इंक्रीज बाई 4% एवरी ईयर इफ इट्स द प्रजेंट पॉपुलेशन इज 50,000, देन आफ्टर 2 years हाउ मच विल इट बी। यानी कि दोस्तों किसी कस्बे की जो जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है, 4% में इंक्रीज हो रहा है गाइज। तो वर्तमान जो जनसंख्या उनका है कितना है, वर्तमान जो जनसंख्या है कितना है, 50,000 उनकी वर्तमान जनसंख्या। तो गाइज उनकी क्या 2 वर्ष बाद यह कितनी जनसंख्या हो जाएगी वो फाइंड करना है हमें। तो गाइज आप जानते हैं कि 4% का फ्रैक्शन भिन्न कितना होगा, 1/25 होता है। 4% का फ्रैक्शन भिन्न कितना होता है, 1/25 होता है। तो इंक्रीज कर रहा है गाइज, तो 25 का 4% कितना होगा, 1 होगा। तो जब 25 से इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये 2 वर्ष की मामला है गाइज, तो 2 बार करेंगे, 25 से 26, ये दोनों जो सक्सेसिव केस रहता है तो गाइज मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ 25 से और 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। यहाँ 26 ले और 26 ले आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 676 हो जाएगा गाइज। तो गाइज आप देख रहे हैं कि यहाँ जो प्रजेंट पॉपुलेशन है गाइज उसका कितना दिया है, 50,000 दिया है।
तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गया 625, तो 625 किसके बराबर हो जाएगा गाइज, 50,000 के बराबर हो जाएगा। ये 625 50,000 का कितना गुना है, तो 80 गुना है। उसी प्रकार से 2 वर्ष बाद निकालना है, तो 2 वर्ष बाद कितना है, 26 है, ये नहीं गाइज यहाँ सॉरी गाइज यहाँ 676 है गाइज। तो इसका जब हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइज, यहाँ पर 54,080 हो जाएगा गाइज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, सी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा गाइज, सी हो जाएगा, 54,080 रुपीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, हर एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, आप जाकर देख सकते हैं, SSC CGL और CHSL MTS हर जगह ये क्वेश्चन आता है गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं गाइज। तो गाइज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वही क्वेश्चन है गाइज, बस इसमें डिजीज का चेंज है। द करेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 1,76,400 रुपीज इफ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, देन व्हाट विल बी इट पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स गाइज। यहाँ देखिए, यहाँ हिंदी में दिया है 2 ईयर्स, तो हम इंग्लिश में भी यहाँ क्या कर लेंगे, 2 ईयर्स कर लेंगे गाइज। तो आप गाइज जानते हैं कि 5% का जो फ्रैक्शन भिन्न होता है वो कितना होता है गाइज, 1/20 होता है। तो इसमें भी इंक्रीज कर रहा है गाइज, तो 20 से कितना हो रहा है, 21। ये 2 वर्ष का जो मामला है गाइज, तो 2 बार लिखेंगे 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 2 बार मैंने ये सक्सेसिव कैसे, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं आपका हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा गाइज। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितने का, यहाँ देख रहे हैं गाइज 41 हो जाएगा। ये दो वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 400 से कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो प्रजेंट क्या दिया है गाइज, यहाँ पर यहाँ दिया है कि करेंट में कितना दिया है, 1,76,400 रुपीज दिया है। तो जो प्रजेंट टाइम का 400 आया है, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1,00,000, यहाँ 2 साल बाद दिया है, यहाँ करेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन 1,76,400, यानी 2 साल बाद ये दिया है कितना, इतना दिया है। तो ये 441 का कितना गुना हो जाएगा, तो 400 गुना होगा। उसी टाइम से प्रजेंट जनसंख्या, जनसंख्या में कितनी थी, तो पूर्व जनसंख्या, बाद में जनसंख्या कितनी होगी गई, 16,000, 1,60,000 बाद में जनसंख्या। जब ये 400 इसके गुना है, तो इसके भी गुना करेंगे 400 का, तो 400 और मल्टीप्लाई 400 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1,60,000। तो इसमें 1,60,000 नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, नोट हो जाएगा गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 1,35,000 इफ इट इंक्रीज बाय 10% इन ए फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर क्या कर रहा है, 10% इंक्रीज कर रहा है, और एंड 11:1/9% इन द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर कितना कर रहा है, 11:1/9% कर रहा है, और एंड बाय 20% इन थर्ड ईयर, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 वर्ष बाद आप इस गांव की जनसंख्या बताएं, टाउन का यानी शहर का जनसंख्या बताना है। तो गाइज आप जानते हैं कि 10% का जो फ्रैक्शन भिन्न होता है कितना होता है, 1/10 होगा, और 11:1/9 का फ्रैक्शन भिन्न कितना होगा, 1/9 होगा, और 20% का फ्रैक्शन भिन्न तो आपको गाइज मालूम होगा, 1/5 होगा। यहाँ इंक्रीज कर रहा है गाइज, इंक्रीज कर रहा है, तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, यहाँ 9 से कितना हो गया,
10 हो गया, यहाँ 5 से कितना हो गया 6 हो गया। ये सक्सेसिव कैसे, इसके वजह से जो कट रहा है, या 10 10 कट रहा है तो 10 10 को कटा दो आप, तिरिया कटा सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ यहाँ हो गया ये 45 हो गया, और यहाँ कितना होगा 66 हो गया। ये जो वैल्यू इसमें दिया है 135,000, वो किसके बराबर दिया है गाइस, ये दिया है 45 के बराबर दिया है। तो ये जो 45 इसके बराबर कीजिएगा तो कितना गुना होगा, ये 3,000 गुना होगा। उसी तरह से 66 का आप 3,000 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 198,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइस, सी हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं गाइस। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द परचेज प्राइज ऑफ ए मशीन इज 2,00,000 रुपीज इफ इट इज द डेबिट एट द 10% पर एनम, देन व्हाट विल बी द एट वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 वर्ष बाद कोई वैल्यू ज्ञात करना है किसी मशीन का। जो मूल्य दिया था 2,00,000 दिया था, उसका क्रय मूल्य 2,00,000 दिया गया था, 10% जो वार्षिक दर से अमूल्य हो जाता है, तो 3 वर्ष बाद इसका जो मूल्य है कितना होगा, तो ये फाइंड करना है। तो गाइस आप जानते हैं कि 10% का जो फ्रैक्शन भिन्न होता है कितना होता है, 1/10 होता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे 10 से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है अमूल्य, मतलब क्या कर रहा है, घट रहा है। जब घट रहा है तो 10 से कितना हो गया 9 हो गया, 10 से कितना हो गया 9, 10 से कितना हो गया 9। ये 3 वर्ष का मामला है, इसलिए मैंने 3 वर्ष किया। सक्सेसिव कैसे, इसलिए मैंने गुणा कर दिया गाइस। तो गुणा किया तो कितना होगा 1,000 हो गया, यहाँ यहाँ 9,000 का गुणा किया तो कितना हो गया 729 हो गया। ये 1,000 का वैल्यू कितना दिया है गाइस, 1,000 का जो वैल्यू दिया है, कह रहा है कि एक मशीन का क्रय मूल्य इतना दिया गया है, कितना दिया गया है 2,00,000 रुपीज दिया गया है। तो 1,000 का वैल्यू 2,00,000 है, कितने गुना है इससे 200 गुना है। जब 200 गुना ये है तो गाइस निकालना है क्या, मतलब 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा गाइस, 3 वर्ष बाद 729 है, लेकिन इसका 200 गुना है, तो 729 का 200 गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 1,45,800 रुपीज हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइज, बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं गाइज। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द करेंट प्राइज ऑफ ए स्कूटर इज 7,290 रुपीज इफ इट वैल्यू इज 10% पर एनम, व्हाट वाज इट वैल्यू 3 ईयर्स एगो, यानी 3 वर्ष पहले का क्या ज्ञात करना है, उस स्कूटर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं गाइस कि 10% का जो फ्रैक्शन भिन्न होता है 1/10 में क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ क्या कर रहा है गाइस, 10% क्या कर रहा है, हर साल घट रहा है, ऐसे घटते घटते कितना हो गया 3 साल, मतलब घटा 3 बार, तो 10 ले कितना हो गया 9, 10 ले 9, 3 बार मैंने कर दिया। सक्सेसिव कैसे है गाइस, तो इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ दोस्तों दिया है 7,290 रुपये, वो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य दिया है। ये 7,000 यानी 729 किसके बराबर है, 7,290 रुपये के, ये कितने गुना है गाइस, 10 गुना है, 10 गुना है। उसी प्रकार से जो उस 3 वर्ष पहले कितना हो जाएगा गाइस, ये 3 वर्ष पहले का मूल्य है 1,000, तो इसमें मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 10,000 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं गाइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस यहाँ पर कि इन ए टेस्ट इट इज द मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट टू गेट 33% मार्क्स टू द पास द स्टूडेंट एज द ऑब्टेन 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 4 मार्क्स इफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन,
यानी कि गाइस कह रहा है कोई परीक्षा हो रहा है उसमें छात्र को पास होने के लिए कितना परसेंटेज का आवश्यकता है, 33% का आवश्यकता होता है। वो दोस्तों कितना नंबर लाता है उसमें, उसमें नंबर लाता है कितना, 25% नंबर ला देता है। नंबर लाता है तो अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल कितने नंबर खाते हो जाता है, तो 40 नंबर के लिए फेल हो जाता है गाइस। तो यहाँ कितने की कमी हो रहा है उसको, कितने परसेंटेज का कमी हो रहा है, 8% का। और कितने परसेंटेज के लिए फेल हो रहा है, तो 40 नंबर के लिए फेल हो रहा है। तो 8% का जो वैल्यू होगा 40 नंबर हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 8 × 40 कटाइएगा, वो 5 हो गया, यानी 5 नंबर। तो हमें 100% ज्ञात करना है गाइज, कोई भी मार्क्स जो होता है 100% होता है। तो 100% का जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इधर, तो 100% के वैल्यू कितना हो गया गाइज, 500 रुपीज हो गया। 500 इज़ द राइट आंसर, 500 इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्या हो गया गाइज, बी इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि द कैंडिडेट हु गेट्स 30% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल बाय 25 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 42% गेट्स 20 यानी 45% मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कि गाइज एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया और उसमें 45 अंक अनुत्तीर्ण हो जाता है, उसके लिए अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो छात्र ने कितना, 42%। तो गाइज इसमें दो व्यक्तियों का मामला है गाइज, तो दो कैंडिडेट है गाइज इसमें। तो फर्स्ट कैंडिडेट 30% लाता है अंक, तो कितने के लिए फेल हो जाता है गाइज, तो इतना नंबर 45 नंबर के लिए फेल हो जाता है। तो इसमें 30% प्लस ऐड कर देंगे जितना फेल हो रहा है, कितना का फेल हो रहा है गाइज, 45 नंबर के लिए फेल हो रहा है। दूसरा कैंडिडेट का आप देख लीजिए कि कितना नंबर ला रहा है, 42% नंबर प्राप्त कर रहा है, कितना के लिए अधिक, कितना अंक अधिक, मोर देन कितना, 45%। तो यहाँ माइनस कर देंगे, इसके मतलब कि अधिक हो रहा है, तो जो परसेंट है परसेंट को एक दें, इधर लेकर 30 में से 42 घटाएंगे तो 12% हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस है, माइनस माइनस जब कट जाएगा तो 45 और 45 90 हो जाएगा, यानी 12% की वैल्यू 90, तो 100% की वैल्यू कितना, 90 × 100/12। जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ दोस्तों कह रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ 50 लीटर्स ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कंटेंट्स 60% एल्कोहल, हाउ मच एल्कोहल इज टू बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो डैट ही न्यू मिक्सचर कंटेंट्स 75% एल्कोहल। तो गाइज इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा गया है। 50 लीटर शराब है और पानी के मिश्रण है दोस्तों, 50 लीटर शराब और पानी का मिश्रण है। तो जब गाइज 50 लीटर शराब और पानी का मिश्रण है, यहाँ 60% शराब है, जब 60% गाइज यहाँ शराब होगा 60%, तो 40% कितना होगा गाइज, पानी होगा। तो 60:40 हो गया, यानी 3:1 कितना हो गया गाइज, यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ टोटल कितना शराब और पानी का जो मिश्रण है कितना है गाइज, यहाँ पर 50 लीटर है। तो ए मतलब एल्कोहल हो गया, ए डब्लू मतलब वाटर हो गया, तो 3:2 ये पानी और अनुपात का हो गया गाइज। तो गाइज ये दोनों को जब ऐड करिएगा 3 और 2 को, तो कितना होगा, 5। और 5 लीटर जो 5 क्या हुआ, पानी और वाटर का क्या हुआ गाइज, यहाँ आप देख रहे हैं ना, पानी और वाटर का क्या है, मिक्सचर है, यानी 2:3:2 है। तो दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 जब होगा तो किसके बराबर होगा, 50 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर का वैल्यू कितना होगा गाइज,
10 हो जाएगा, तो 3 में 10 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा। यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। जब 20 लीटर हो गया गाइस, तो फिर आगे क्वेश्चंस कह रहा है कि नए मिश्रण में 75% शराब है, नए जो मिश्रण है 75%, जब 75% यहाँ शराब है तो गाइस 20% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो इसका रेशियो जब आप काटिएगा तो 3:1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 3:1 गाइस 1 हो गया, कितना हो गया, 3:1 हो गया। जब 3:1 हुआ तो टोटल ओवरऑल कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। जब 4 हो रहा है तो 50 को जब 4 से आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो गाइस कितना हो जाएगा, जब नहीं गाइस यहाँ 20 हो रहा है तो 20 × 5 = 20 यानी 20 × 60 कितना हो गया गाइस, यहाँ पर 20 × 60। जब यहाँ देख रहे हैं गाइस वाटर, वाटर वाटर कितना है, यहाँ वाटर है गाइस 20 लीटर। जब यहाँ 20 लीटर है तो यहाँ भी 20 लीटर होना चाहिए, क्योंकि वाटर की जो मात्रा है गाइस, मिश्रण जो है वाटर का, वो सेम होना चाहिए। जब यहाँ 20 लीटर है तो यहाँ भी 20 लीटर, तो यहाँ भी 20 लीटर हो गया। जब यहाँ 20 लीटर है तो यहाँ 20 लीटर, तो 20 × 60 यानी 60 लीटर हो गया। तो इन दोनों का 30 लीटर और 60 लीटर का जब आप देखेंगे मात्रा, क्योंकि उसको क्या करना है, 50-50% में बांटना है, तो कितने का अंतर आ रहा है गाइस, 30 लीटर के 60 लीटर है या 30 लीटर है, तो 30 लीटर का अंतर आ रहा है। तो जो 30 लीटर के जो 30 लीटर का अंतर आ रहा है गाइस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। जो दोस्तों यहाँ केजी लिखा है, केजी नहीं होगा, लीटर होगा। तो गाइस आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं गाइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन उसी आधार पर बनेगा। एक गाइस कह रहा है कि 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेंस 40% शुगर एंड हाउ मेनी ग्राम ऑफ शुगर शुड बी एडेड टू इट सो दैट 50% शुगर इज एडेड टू द न्यू सॉल्यूशन। गाइस क्या कर रहा है, न्यू सॉल्यूशन ज्ञात करना है, यानी 300 ग्राम का यहाँ क्या है, यहाँ दोस्तों 300 ग्राम का आपका क्या दिया है, 300 ग्राम दिया है, 300 ग्राम दिए तो उसमें 40% चीनी है, तो यहाँ शुगर हो गया, यहाँ वाटर हो गया। शुगर और जब 40% क्या है गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 40% शुगर है तो वाटर कितना होगा, 60% होगा। इन दोनों का जब अनुपात ज्ञात करें तो 2:3, तो 2:3 हो गया, कितना हो गया, 2:3 हो गया। यहाँ 300 है, दोनों का जब ऐड कीजिएगा 5 हो गया, 5 ले और 300 का, यहाँ जब 5:300 तो 1:60 कितना हो जाएगा, 60 हो गया, 60 ग्राम। तो यहाँ मल्टीप्लाई जब करिएगा 2 से 60 का तो 120 हो गया गाइज यहाँ पर, और यहाँ पे कितना हो गया, 180 हो गया। जब 180 हो गया गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नए घोल का 50% चीनी हो जाए, तो 50-50 करिएगा गाइज, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो गया गाइस। यहाँ जब वाटर का अनुपात 180 ग्राम है तो नेक्स्ट में इस यहाँ भी 180 ग्राम होगा, जब यहाँ भी 180 ग्राम होगा तो यहाँ भी होगा। इन दोनों का कितना अंतर आ रहा है गाइस, शुगर शुगर का कितना अंतर आ रहा है, यानी आपस में 50-50 होना चाहिए, तो 120 है यहाँ, 180 है, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 60 ग्राम आंसर आ जाएगा। आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो गाइस इतना ही क्वेश्चन था मेरे पास, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ गाइस। तो गाइस हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें गाइस और कमेंट करें। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं गाइज, नेक्स्ट सेशन में आपको मिलते हैं गाइज। तो इंतज़ार करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को साथ जुड़ाएं, और आप जो भी व्हाट्सअप ग्रुप और मीडिया जो भी आप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उसको अधिक से अधिक शेयर करें गाइज, ताकि इस जो सेशन है सब देख पाए, सब स्टूडेंट देख पाए, सब प्रिपरेशन कर पाए गाइज। तो देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।